देश भर में होली का उत्साह है, चारों ओर धूम धड़ाका हो रहा है। वहीं मुंगेर के सती स्थान गांव में सन्नाटा पसरा है। इस गांव में लगभग 200 सालों से होली नहीं मनाई जाती है। गांव में होली के दिन सन्नाटा पसरा रहता है। ग्रामीण न तो एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं और न ही घरों में पकवान बनाते हैं। यहां तक कि दूसरे गांव के लोग भी इन गांव के लोगों पर रंग नहीं डालते हैं। गांव में होली नहीं मनाने के पीछे पौराणिक मान्यता है। मान्यता के अनुसार कई सौ साल पहले गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उस दंपति की पतिव्रता नारी की चर्चा चारों ओर होती थी। फागुन महीने में पति की मौत के बाद इस घटना से आहत पत्नी ने पति के साथ सती होने की इच्छा जाहिर की, लेकिन गांव वालों ने पत्नी को घर में बंद कर दिया। पति की अर्थी शमशान ले जाने के दौरान शव बार बार गिर जा रहा था। ग्रामीण लाचार होकर पत्नी को घर से बुला लाए, जिसके बाद महिला की उंगली से अचानक आग निकली और देखते ही देखते दोनों जलकर भस्म हो गए। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से सती स्थल पर मंदिर का निर्माण किया गया। तब से वहां मां सती की पूजा अर्चना की जाने लगी। ग्रामीणों ने बताया कि होली के दिन यहां पे कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। परंपरा तोड़ने पर घर में हानि होने की लोगों ने बात कही। जो जब से इनकी पति डेट किया था, तब से इनकी मतलब इसी के नाम से पति का जब मान करके ग्रंथी ले जा रहे थे, तो उस समय ग्रंथी पर से ही लाश गिर जाते थे और पत्नी को घर में बंद किया था। पत्नी भी जब उसको देखा कि अब नहीं जाएगा, तो पत्नी को घर से बाहर खोला, उसका केवाड़ी खोल दिया, उसको लाया गया। ग्रंथी जहाँ पर रखा हुआ वे कहे कि हम भी इसी के साथ जलेंगे। तो लोग समाज आग जाने लगा, तो इनको ये सोचा कि भाग जाएगा, तो वो नहीं, वैसी जगह उनको जो घर का पोस होता है, ठाट होता है, उस समय उस ठाट को उठा करके लगा कि अभी ये ग्रंथी से भाग जाता है, जलुआ होगा तो कहीं फिर किसी को लोग को फंसा देगा, इसलिए उसको छप्पर को रखा था कि इसको जब भागेगा तो छप्पर से दाब दिया जाएगा। उसी के हाथ से आगिन के पत्नी के हाथ से ही आगिन की उंगली कमरिया उंगली से किसी ने आगिन उसको नहीं दिया और सारा जल करके राख हो गई। उसी दिन से किसी ने भी चाहा कि नहीं हम अपना फरवरी महीना या फागुन महीना में पुआ बनाएंगे, तो उस समय इसलिए बंद कर दिया। किसी के घर में आग लग गया तो लोगों ने जला तो पूछा कि क्यों आग लगा, तो बोला कि मैं पकवान बना रहा था इसलिए। फिर किसी तरह से देवता ही कोई उसमें आकर के बोला कि ये फागुन महीना में आप लोगों को पुआ मत बनाना। उसी से लोग परहेज करना, और जो एक दो बार जैसा हुआ कि लोग नई पीढ़ी में आने के बाद भी सोचा कि हम पुआ बना के खाएंगे, उसके घर में भी उसी तरह से आगे लग। अभी से आप लोग होली नहीं मना, इसलिए अभी कोई नहीं, किसी गांव के तक में भी, किसी कास्ट तक के भी आदमी ने होली नहीं मनाते। इन इसी की जो है जिस घर से है उसी के घर में नहीं, पूरे किसी जात का हो कोई नहीं। इसमें माँ सती का मंदिर, ये पति पत्नी दोनों है, पति पत्नी उनकी लड़की सुना था, और गरीब माँ जो है सती माँ जिस समय डेट की थी उस समय इसको अंदर में मन रूम के अंदर बंद कर दिया था, और पति को उनके जो है साथ ले जा रहे थे लाश के आके, लेकिन जो है यहाँ पर फिर रखा गया इसको। इसी में उसकी पत्नी जो है उसी कंगली पति के उंगली से आगिन था, और पत्नी उसी में जो है सती हो गई, इसलिए इसका नाम सती माँ पड़ा। जो है होली उसके मरने उसके सती होने के बाद उसी समय से होली यहाँ पर नहीं मनाया जाता। अगर कोई मनमानी ढंग से कोई चाहे कि हम होली के समय होली के दिन होली माना हम अपना यहाँ पर पूरा पकवान बना के खाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है उसे घर में आ जाएगा हमेशा। हाँ, इसमें सती माँ के गाँव के सती स्थान गाँव के अंदर कोई भी पुआ पकवान नहीं बना सकते। कितने सालों से नहीं बनाया जा रहा है? ये तो जो है कहीं डेढ़ पौने दो साल से, 200 साल से नहीं मनाया जाता है। हमारे पूर्वज वो नहीं मनाते थे और हम लोग भी नहीं मनाते हैं। सुनते आ रहे, इसने कहा इनके पति मर गया, इसके पत्नी ने उसको जाने के लिए नहीं दिया गया, तो उसने अपने कहा नहीं हम भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे,
ये कहानी 250 साल की कहानी है, अभी भी कोई इसको पता नहीं है। इसलिए जब वो अपने पति को ले जा रहा था तो वो अपने पत्नी ने कहा कि नहीं ले जाने देंगे इसका, हम अपने पास ही रख लेंगे नहीं तो हम भी सती हो जाए। ये कारण से वो अपने तेरी उंगली से आगी निकाला और जल के दोनों भस्म हो गए। इसके बाद उसकी बच्ची की कहानी आई तो बच्चे की कहानी को कहा था जिस दोस्त समाज में रहता है तो बोला कि मेरे बच्चे को किसी ने कोई भी गोईठा घाटी कवाला मैंने नौकरी में मत करने देना, अगर जो होता ना गोबर का कला अति होता है उसको करने मत दो। तो जितना दिन रहा बच्ची जीवित रही वो तो सब ठीक था, लेकिन अंतिम अंतिम में वो जिसके पास रह रही थी वो भी भुगतान भोगी कि कितना दिन उनको बैठ के खिलाएंगे, और उनको मना कर दिया था कि मेरे बच्चे ये काम ना कर सकें। जब वो नहीं कर पाई तो अपना बेटी को भी वो साथ में ले ली। ये आंखों रूपी देखा सबकी कहानी है, इसलिए माँ पति पत्नी का स्थान अलग है, बीच में उसकी बच्ची का भी स्थान आप रूपी आ चुका। तो होली के ही दहन में ही घटना हुआ था, इसीलिए ये होली में हम लोग गाँव का आदमी होली मनाता नहीं है। और ये होली का महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है कि जब होली का दहन होता है फागुन का महीना चलता है तो पूरे महीना किसी के घर में कोई पकवान नहीं पकता है, जैसे कि तेल में आलू का भूज दो या तेल में या पकौड़ा भूज दे, कोई घर में नहीं खाता है, इसलिए पूरे महीना टोटली बंद। तो हम लोग होली का दहन मनाते हैं कब, विसुआ में मनाते हैं 14 अप्रैल, इसको हम लोग पहली बैसाख बोलते हैं। गाँव में कितने आबादी होंगे? गांव में कम से कम हो जाएगा आपका आबादी 450 से 500 के ऊपर। किसी के घर में नहीं मनाया? किसी के घर पर दो बार घटना हो चुका है तो भगवान ने सतीमा ने उसका दिखावा दिखा दिया है, उसी के डर से। सती थे इसी गांव के हैं क्या? सब इसी गांव के।